आजी, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? थंबनेल मैंने वही लगा दिया, पुराना 7-0 वाला। पहले 8 बजे का था, फिर 7-0। हेलो हेलो हेलो, सिग्नल्स आ रहे हैं क्या? नहीं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, मेरा तो सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं तो मेरा नाम जुनैद अहमद सिद्दीकी है और ये हमारी बहुत अजीज हैं। मुझे रुक रुक और कर आवाज आ रही है। क्या हो रहा है? आवाज आ रही है साफ? हेलो, आवाज साफ आ रही है? मुझे आ हेलो, रही है आवाज? रुक रुक कर आ रही है, रुक रुक कर आ रही है। अच्छा, मेरी वॉइस रुक रुक के आ रही है? रुक रुक के आ रही है? हाँ, रुक 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 कर आ रही है। नेट का मसला तो नहीं हो रहा? इधर से तो सही जा रही है। अब आ रही है? अब आ रही है? हाँ, अब सही है? हाँ, लेकिन राउटर रुक इधर ही रुक कर लगा है आ हमारे। रही है। हाँ, रुक कर आ रही है? हेलो, हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी हुआ? रुक रुक आपको आ के। रही है शायद, आपकी मुझे रुक रुक कर आ रही है। मेरी अच्छा, क्लियर आ एक रही है? सेकंड, मेरी आपकी आ रही है मुझे। एक मिनट, एक काम करता हूँ। क्लियर आ रही है? हाँ, क्लियर आ रही, क्लियर आ रही है। एक सेकंड। अब भाई, एक मिनट, अब आ रही है बस। अब बेहतर है? हेलो, हाय हाय भाई, कहाँ चली गई? हेलो 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 हेलो, आ जाओ भाई, किधर हो आप? हाय हेलो हेलो हेलो। अरे यार, मोबाइल कहाँ चला गया भाई? कैसे हो? ये टाइटल अब आया? अब आ रही है आवाज? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आ गई लाइफ बैक अगेन, लाइफ बैक एंड अगेन। आ गई, अब आ रही है आवाज? साफ आ रही है? अब बेहतर है? अब वॉइस बेहतर है? हेलो, अब आ रही है? अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है, अब अब आ रही सही है। है? अब आपकी वॉइस दूर चली गई बहुत, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ, आ ही नहीं रही आवाज। अरे, मेरी आ रही है आवाज अब? हेलो, नहीं, वॉइस अब बोलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन बहुत दूर से, पहले बिल्कुल सही आ रही थी। हाँ, हैंड फ्री रुक लगाई है कर आ क्या? रही है। आप एक काम करो, आप ना दोबारा से लिंक पे जाके ना दोबारा लिंक पकड़ के आ जाओ। यहां से स्क्रीन हटा के ना आप एंड करो, अपनी लाइव एंड करो और दोबारा से लिंक पकड़ के ज्वाइन कर लो। मेरी आवाज आ रही है? अब सही आ रही है ना? बस हाय भाई, कैसे हो तुम लोग? क्या हो रहा है जिंदगी में? क्या चल रहा है बच्चूतियों के अलावा? क्या चल रहा है भाई? तो ये आती है जब तक हम करते हैं यार, कुछ भंड डिस्कस कर रहे हैं तुम लोगों से, जो कराची में अभी दोबारा से गोरे आना शुरू हो गए। तो अच्छी बात है, पहले भी आते थे वो। चलो इनको लाइव लेते हैं, इनसे, इनके सामने डिस्कस कर लेते हैं सारा कुछ, इनकी भी सुनते हैं। हेलो, ऐड किया है मैंने, आ जाओ। हेलो, आ जाए तो फिर करते हैं बात। अच्छा यार, कहाँ गई है? अभी तो ऐड किया है मैंने। अरे यार, हेलो, आ गई? अस्सलाम वालेकुम, अब आ रही? अब आ हाँ रही है जी, आवाज? वालेकुम सलाम। अब जी, सही, अब आ सही, शुक्र है, शुक्र है, आपकी आवाज भी क्लियर है, गई। हाँ, पहले नहीं आ रही थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाय हाय हाय। अच्छा जी, ये अफशा है हमारी, बहुत अजीज है और अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, दुआओं में याद रखती है, हमेशा दुआ करती है हमारे लिए भी, और ये बड़ा सच बोलती है हमारी तरह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। हम भाई, मैं तो कुछ अलग वे में सच बोलता हूँ, मैं नहीं, तो माशाल्लाह, आप बहुत जबरदस्त बोलते हैं, बहुत जबरदस्त बोलते हैं और आवाम के हक में बोलते हैं।
थैंक यू सो मच। लेकिन पाकिस्तान में जो आवाम के हक में ज्यादा कोई खुल के सच बोलता है ना, वो उसका पता है आपको क्या होता है उसके साथ। तो हम जरा तो बच्चों में बोलते हैं ना, ये भी ट्रिक है, ये ट्रिक है। कहाँ चली गई दोबारा, स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। ये भी इसमें भी ट्रिक है ना, ये ट्रिक अपनानी पड़ती है ना, वरना अभी पता क्या सीन क्या हो रहा है। मैंने इसका टाइटल आपने पढ़ा, टाइटल क्या रखा है मैंने इसका लाइव स्ट्रीम का टाइटल पढ़ा था कि क्या रखा हुआ है। अच्छा आवाज आ रही है, आवाज दोबारा तो नहीं चली गई, वो हैंड फ्री लगाने की वजह से चली गई आवाज, आपकी भी दूर चली गई, पहले से ही आ रही थी, हैंड फ्री की वजह से तो नहीं हो रही है। अच्छा तो नेट का मसला होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी इससे पहले आवाज भी आपकी सही आ रही थी, बिल्कुल क्लियर, अब जो है ना बहुत दूर चली गई आवाज। ये हैंड फ्री पहले लगा हुआ था, ये हैंड फ्री लगाने की वजह से तो नहीं हो रहा। अच्छा मेरी आवाज क्लियर आ रही है, आपकी आवाज फिर दूर चली गई अफशा, आप फिर से लिंक ज्वाइन कर लो। आप पता क्या करो, सुनो मेरी बात, आप ना अगेन लिंक पकड़ के आ जाओ, दोबारा से आप लिंक पकड़ लो, दोबारा से लिंक पे टैप करो और आ जाओ, क्योंकि आपकी वॉइस फिर दूर चली गई। आप हैंड फ्री के बगैर आओ, आप मेरी बात सुनो अफशा, आप ना हैंड फ्री के बगैर आ जाओ। हेलो, मैं कह रहा हूँ आप हैंड फ्री के बगैर आ जाओ, आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ हैंड फ्री के बगैर आ जाओ, बगैर आ जाओ, हैंड फ्री उतार दो, इससे पहले आवाज सही आ रही थी आपकी। मैं कह रहा हूँ हैंड फ्री के बगैर आ जाओ, हैंड फ्री नहीं था ना, आई थिंक तब आवाज सही थी आपकी, अब आपकी आवाज सही है। अब आ रही मेरी आवाज, आ रही है मेरी, आ रही है? आप हैंड फ्री हटाओ। हेलो, अब बोलो, वॉल्यूम बढ़ाओ उसका, वॉल्यूम बढ़ाओ अपने फोन का। हेलो, मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम बढ़ाओ अपने फोन का। हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? हैंड फ्री के बगैर नहीं, आप वॉल्यूम बढ़ाओ ना जरा, वॉल्यूम तो बढ़ाओ उधर फोन के साइड में, चेक करो वॉल्यूम जरा, वॉल्यूम बढ़ाओ तो कम तो नहीं हुआ, चेक करो हैंड फ्री के बाद चेंज कम हो जाता है वो। हैंड फ्री में सही आ रही है, फिर आपकी आवाज दूर चली गई, फिर आपकी वॉइस दूर चली गई, पता है? आप एक काम करो, लिंक दोबारा करके आ जाओ, दोबारा से लिंक ले लो, फिर आप हैंड फ्री लगा लेना, ऐसा कर लेना आप, ये लिंक डिस्कनेक्ट करके अगेन आ जाओ। हेलो 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 हेलो, आप लिंक डिस्कनेक्ट करके दोबारा से आ जाओ, आवाज आ रही है? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। कॉल भी आ रही है, सुन ले यार जरा, ये आती है तो गाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाँ जी, हाँ यार, पच्चीस अप्रैल, क्या हाँ, अच्छी बात है यार, हो रहा होगा, होने वाला होगा, किस चीज का? क्रिकेट, क्रिकेट का, क्रिकेट का। अभी मैं लाइव बैठा हूँ, मैं ठहर के करता हूँ बात, बताओ कि क्रिकेट का। अबे यार ये लाइव मुझे बताओ किसी को भाई, क्या क्रिकेट का वर्ल्ड कप क्या अमेरिका में होने वाला है, किस स्टेट में हो रहा है, कुछ बताओ यार। देखो आवाम को बच्चों चाहिए, आवाम आती वाती है नहीं, ठीक है ना, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी लगा लें, तुम बताओ बच्चों, तुम सुनाओ बच्चों। यार मैं लाइव बैठा हूँ इस टाइम, मैं वेट कर रहा हूँ गेस्ट का, तो अभी उनको वॉइस नहीं आ रही थी। नहीं 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 प्लीज यार, नहीं प्लीज यार, प्लीज भंड,
या चल ठीक है, ये फिर चली आएगी ना लाइफ पब्लिक की वे मेरे, ये करता हूँ ना फिर। नहीं अभी क्या, अभी नहीं खाया, खाता हूँ अभी, बैठा हूँ। ओके 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 ओके, आता हूँ। ओके देखता हूँ लाइफ कनेक्ट हो जाती है सही वाली तो फिर करता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। यार वो बेचारी आ नहीं पा रही, क्या हो रहा है? दोबारा से लिंक भेजूं यार, उनके पास लिंक कनेक्ट नहीं हो रहा यार। अरे यार क्या लाइव में क्या क्या चीजें चल रही हैं यार। टाइटल तो बढ़ गया वैंश, टाइटल तो बढ़ गया। टाइटल क्यों रखा है मैंने, कोई सोचा करो थोड़ा सा, काबिल लोगों में उठा बैठा करो तुम लोग बे बच्चों। दो और अस्सलाम वालेकुम, आ गई आवाज हमारी? वालेकुम अस्सलाम। पता अफशा तुम्हारी आवाज है, परेशान कर रहा है बस। अब देखो अभी अभी सही चल रहा है नेट, अभी सही चल रहा है। आपकी आवाज मुझे रुक रुक कर आ रही है। अच्छा अब पता है, मेरी बात सुनो, आपकी तरफ से पता है क्या ये हो रहा है, देखें, अब आपकी आप आवाज बोल अभी। रहे हैं ना, तो आपकी आवाज हाँ मुझे रुक रुक कर आ रही है, पूरी वर्ड ही मैं समझ पा रही हूँ। अच्छा, फिर इसलिए आपकी तो तरफ ये से नेट खराब वॉइस भी इतनी टाइम लगाती है डाउनलोड होने में मेरे पास ना। ये नेट का मसला है आपका, थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि यहाँ से तो बिल्कुल हाँ क्लियर। नेट अगर तो नहीं। पता क्यों कह रहा हूँ, पता क्यों कह रहा हूँ, अगर ये यहाँ पे हाँ होता ना मसला, तो यहाँ से ना लाइव डिस्कनेक्ट हो जाती। अगर यहाँ नेट का इशू होता तो डिस्कनेक्ट हो आपकी जाती, आवाज यहाँ तो नहीं। कनेक्टेड हूँ, बहुत देर से कनेक्टेड हूँ। तो देख लेते हैं जहां तक चलती है बात। तो आपको आवाज आ रही है ना? अच्छा अब आपकी ना आवाज सही आ रही है मुझे ना, अब आपकी आवाज क्लियर है। पहले आपकी आवाज भी ना जैसे भी लेकिन स्टार्ट में मुझे सही आ नहीं रही आ है, रही, कट कट अब के आ कट रही लगा, आवाज, मुझे कट कट आप के कट आपकी लगा, आवाज आ रही है। लेकिन वैसे आप लाउड आ रही है। स्टार्ट करें, इंशाल्लाह बोलूंगी मैं। मैंने की हुई है, जब आप चली गई थी बीच में बच्चोत कर रहा था मैं आवाम के साथ ना, तो वो चलती ही रहती है मेरी, चलेगी वो तफरी चल रही होगी मेरी, ठीक है। अच्छा मैंने ना टाइटल, आपको नहीं आवाज आ रही है समझ अभी? रहा। नहीं आ रहा है, अब क्या करूं, क्या करना चाहिए। चलें अभी देखो, अगर आपको सही आ जाए आवाज तो ठीक है, वरना फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं तो आवाम की थोड़ी सी चित्रोल करनी है जरा, आवाम की ना नहीं यार। इलेक्शन में भंड करते रहे हाँ हमारे हाँ लोग। बिल्कुल, आप बिस्मिल्लाह करें। मुझे तो रुक रुक कर आपकी आवाज। अच्छा चलो चलो ठीक है, एक काम करो आप वैसे ही ज्वाइन, आप बैठ के पीछे देखो ठीक है, तो या आप लाइव पे रह लो थोड़ा, क्या है, चलो जहाँ आवाज आ जाए पार्टिसिपेट कर लेना, बैठ जाओ। हाँ, जहाँ आवाज आएगी वहां मैं। चलो ठीक है ठीक है, अब आपको आ रही है, अब आपकी आवाज भी दूर चली गई, लेकिन खैर है आ रही है मुझे ना। मैं इसको थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ, रुको, मेरी तरफ वॉल्यूम फुल है वैसे अफशा, मेरी तरफ वॉल्यूम फुल है, आपकी लाइफ फिर रुक रही है। अच्छा सुनो पता सीन क्या हुआ है, एक तो आप फिर चली गई, अच्छा इसमें बात नहीं हो पा रही, पता है क्यों, क्योंकि कुछ वो आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है और कुछ ना, खैर मैं तो मेरा तो कनेक्टेड है, मैं बताता हूँ यार। एक भंड हुआ है कि लोग, मैंने ही देखा कि, तो दो चीजें डिस्कस करनी है, जो टाइटल मैंने रखा ना गोरों की, गोरों के साथ हरामीपन, पहले भी एक हुआ था, वो आया हुआ था डेल फ्लिप और वो दूसरे पाकिस्तान आके गए ना, तो उन्होंने अफशा, इनको मैं ना किस्सा सुना रहा हूँ जो सीन हुआ है ना, अभी और भी गोरे आना शुरू हो गए, टूरिस्ट जो है पाकिस्तान आ रहे हैं कराची, तो उन्होंने ना ये, अब वो जा रहे हैं ट्रेन जर्नी कर रहे हैं और दूसरी चीजें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम यहाँ के पाकिस्तान की आवाम के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको अपने पर तारी करके देखना चाहते हैं। वो एक बंदे का नाम है जैक, जैक पूरा पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जैक, उसके उसकी गर्लफ्रेंड भी आई हुई है, तो लोग उनको हैरेस कर रहे हैं अभी। वो रिसेंटली वो बंदा लाहौर में था, तो वहां मैंने देखा उनको हैरेस कर रहे हैं कराची में। अच्छा एक प्रॉपर वो बोर्ड नहीं लगाए हुए, देखो यार कितनी बेइज्जती की बात है कि आपके यहाँ आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है ऐसा लग रहा है आप चांद पे बैठी हो, आवाज पहुंचते पहुंचते जमीन पे ना, जैसे रोशनी पहुंचती है ना बहुत सालों में, तो बस तब देर में पहुंच रही है आवाज। रुक रुक कर आ अच्छा रही अच्छा है। अच्छा कराची के हवाले अच्छा से आप अच्छा बात कर रहे हैं, तो कराची में तो बस हमारे कराची संभालने वाले तो सिर्फ और सिर्फ अय्याशियों में लगे हुए। हकीकत है, हकीकत है, सही कह रही हो आप। अभी भी सुना आज भी बड़े हालात खराब थे कराची में, अब शायद कुछ बताओ वहां का क्या क्या चल रहा है, कराची में क्या हो रहा है, बताओ बताओ, आप अपना बताओ, लोग सुन रहे हैं मसला, आप अपना बताओ जो दिल में है ना आपके। कराची में
में तो बस प्राइवेट ही चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, हर काम प्राइवेट चल रहा है, यहाँ पे इदारा काम कर ही नहीं रहा है। और अगर अब वो जो चची है, वो जो नानी जो है, उन्होंने वो संभाल ली ना, उन्होंने तो कल वो बगैर वजीर आजम भी मुंतखब नहीं हुई, वो पहले से चीफ मिनिस्टर बन रही है लाहौर में, पंजाब की, पंजाब की बाऊजी की जो बेटी है उनकी बात कर रहा हूँ। तो खैर आवाम भी खुश है उनकी, उनकी आवाम तो खुश है भाई, दुनिया जाए भाड़ में। क्या कराची की माशाल्लाह एनजीओज इतनी है, इतनी एनजीओज हैं, हर हर गली के नुक्कड़ पे एनजीओज बनी हुई है। फेक एनजीओज सब ऐसे ही बैठे हैं अनरजिस्टर्ड, कोई कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई भी उनकी। खूब ठीक ठाक वाली ब्लैकमेलिंग चल रही है। हाँ ब्लैकमेल भी करते हैं। अच्छा मैंने देखा है वो उस तरफ ना, मैं कभी एक दो बार गया हूँ, 11B सेक्टर 11B है नॉर्थ कराची में, बड़ा अच्छा इलाका है उधर सामने ना, वहाँ पे कुछ दोस्त वगैरह भी हैं, तो वो एक अपार्टमेंट्स बने हुए, ये वहाँ पे भी आ जाता है, हालांकि वहाँ बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, अलगाफूर एट्रियम के एट्रियम टावर बना हुआ है, एक अलगाफूर रीजेंसी बना हुआ है, कुछ दोस्त वगैरह रहते हैं वहाँ पे सेक्टर 11A में आता है। एक बार मैं वहाँ पे गया था किसी से मिलने ना, तो वहाँ अंदर मैंने देखा कि वहाँ पे ना वो अंदर तक आ जाते हैं, ये एनजीओ वाले हो गए, ये मांगने वाले भी अंदर जा रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या, कोई कोई प्रॉपर है ही नहीं, मतलब प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो कैसे ये मुल्क सही होगा, अल्लाह माफ करे। अच्छा लोग भी ना हमारे अच्छी, पता नहीं क्या भंड किया हुआ है भाई, कहाँ चली गई स्क्रीन ही गायब हो गई, हेलो लगता है बिल्कुल नेट चला गया तुम्हारा। अच्छा लोग ना अजीब यार, मतलब लोगों ने तो चलो बेचारों ने आवाम के साथ हाथ हो गया भैन चो, अजीब पता नहीं मुल्क की सही माँ को ठोका हुआ भैन सन, समझ में नहीं आ रहा क्या चाह रहे हैं, कोई न रूल है न रेगुलेशंस है न यहाँ पर, आप बजट भी अगर पास होता है एजुकेशन का, अच्छा एजुकेशन का अलग से वो बजट पास होता है, पता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, पाकिस्तान में ही होता है। अच्छा वो मैं ही कह रहा था कि डेल फ्लिप वो आया था, उसके बाद अभी दूसरा वो जैक जैक, एक मिनट मैं उसका नाम बताता हूँ यार, रुको यार बंदे का ना एनालिस्ट समथिंग कुछ करके कुछ बंदे का नाम है, तो वही उनको हैरेस कर रहे हैं इधर, वो बेचारे आ जाओ ऐड कर लिया दोबारा, लिंक तो सेम ही है, अभी मैं वही देख रहा था उसका लिंक ना दोबारा, बंदे का जैक करके समथिंग कुछ करके, देखो अभी बोल रही है इसने एक टाइटल लगाया है जैक एंसले नाम है, और ट्रेवल जैक एंसले ट्रेवल करके उसका चैनल है आजकल वो कराची में, एक और भी बंदा आया हुआ था उसका भी मैं व्लॉग देख रहा था, अभी उसने ना देखो पुलिस की भी तस्वीर लगा दी कि जो डू नॉट डू दिस, ठीक है, और वो ट्रेन के अंदर वो ट्रेवल कर रहे हैं, और वहाँ पे जो पुलिस वालों का उन्होंने कुछ लिखा है कि भाई हमें पुलिस ने हैसल, मतलब परेशानी हमें हुई पुलिस की तरफ से, उन्होंने टाइटल थंबनेल ही ये लगा दिया, यानी कि यार बस क्या बोलें, आवाम तो कर ही रही थी, और खैर इससे पहले भी एक वाक्य हो गया था, गोरे यहाँ वैसे ही नहीं आते, मतलब फॉरनर्स नहीं आते हमारे यहाँ यार, पहले भी नहीं आते थे, बहुत पहले आते थे कभी, जब कभी कराची एक अलग टेरिटरी हुआ करता था, सिंध में नहीं था पहले, तब आते थे गोरे कराची में। यार इन्होंने ऐड मैंने किया था, इन्होंने दोबारा से ज्वाइन इन किया था, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रही, शायद इनका नेट मसला कर रहा है। खैर बहरहाल हम अपनी बात करते हैं, अगर वो आ जाएंगे कनेक्ट कर लेंगे उनको, तो बस ये बड़ा दुख है मुझे कि यार मतलब मुल्क बदनामी की तरफ जा रहा है, इंडिया वाले भी मजाक उड़ा रहे हैं, खैर हमें हमारे नेबर हैं, हमें वैसे उनसे लेना देना कोई है नहीं, लेकिन एक चीज़ का दुख होता है कि यार आपके साथ ही वो भी आज़ाद हुए हैं गोरों से। अच्छा गोरे यहाँ आते हैं अपना चाम लेकर ना, कि चलो चलो अच्छी बात है, हमारे फॉरनर्स वैसे गवर्नमेंट लेवल पे दुनिया में सपोर्ट किया जाता है चीज़ों को, अगर आप वैसे जाते हैं इंडिया तो आप कहीं भी जाते हो, तो अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हो डेफिनेटली वो नज़र रखते हैं, उनकी एजेंसीज नज़र रखती हैं, आपको फॉलो करते हैं वो, और मतलब सिस्टम रखा जाता है, हमारे ऐसा होता है ना कि पाकिस्तान में अगर आते हैं तो आप कराची भी जा रहे हैं हैदराबाद भी जा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आपको अलग अलग सिटीज़ का वीज़ा लेना पड़े, कराची पाकिस्तान में ये नहीं है, वहाँ पे आपको आपके नेबर की बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको बाकायदा प्रॉपर वीज़ा लेना पड़ता है हर शहर का अलग, आपको मैंशन करना पड़ता है फॉर्म में, और ये यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं होता, US में ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है,
आप अमेरिका का वीजा लगवाते हो तो आप अमेरिका में कहीं भी जाओ। एनीवे लेकिन वालेकुम अस्सलाम, आपने लिंक ज्वाइन नहीं किया। मैंने ऐड किया था आपको, दोबारा से ट्राई करके देख लें, ट्राई कर लें दोबारा। अरे यार बेचारी आ नहीं पा रही इस पे, एक मिनट मैसेज देता हूँ इनको, ट्राई करते हैं यार। हाँ यार हम तो इधर कनेक्टेड हैं भाई। अच्छा ओके, अब मेरी बात सुनो। तो मैंने ये देखा कि यार वो स्टेशन पे जा रहे हैं, कराची कैंट पे थे जब वो, ये जैक कैंसले की बात कर रहा हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। तो लोग पर्सनल हो जाते हैं, मतलब जो और दूसरे ट्रैवलर हैं ना वो आके पर्सनल, अब वो समझ रहा है, वो कहते हैं कि ना आप ये इशी और मिसेज मिसेज, वो मैंने देखा था लास्ट ना, कल परसों देख रहा था मैं, या आई थिंक 10 दिन भी नहीं हुए, 4-5 रोज हुए शायद उनको अभी कराची में रहते हुए। सॉरी वो कराची में रह नहीं रहे थे, थोड़ा सा आए थे स्टे किया थोड़ा सा, फिर वो आगे निकल गए, नॉन स्टॉप ट्रेवल कर रहे हैं पाकिस्तान का। लोअर लोअर क्लास भी उन्होंने दिखाई है, और जिसमें बच्चे मूत रहे होते हैं खिड़की खोल के बिठा देते हैं ना लोग अपने बच्चों को। बहुत पहले हमने भी ट्रैवल किया, हमें भी पता है ये। अब तो खैर चूंकि गंदे नहीं होना चाहते ना हम उसमें यार, मट्टी धूल से बचना चाहते हैं। खैर वो हैदराबाद जा रहे थे, लॉन्ग जर्नी उन्होंने नहीं किया उसमें, ठीक है ना। तो खैर बड़ा दुख हुआ यार, अभी वो पिंडी पिंडी कहीं गए हुए हैं शायद, पता नहीं यार कहीं गए हुए हैं। अभी ये जो एक नया व्लॉग उन्होंने अपलोड किया है, तो यार ये सब कब खत्म होगा। और दूसरा मुल्क ही तो सही, माँ को 14 है, मुल्क को पता नहीं किस दहाने पे लेके जा रहे हैं। आवाम भी मतलब अजीब सिस्टम चल रहा है यार, अजीब, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूँ भाई, देखो सबको पता है पहले यूके ने हम पे राज किया था, हमसे मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक था ना, बरे सगीर पाको हिंद, तो हाँ हमारे सामने मिसाल थी कि उन्होंने राज किया था पहले, पहले भी वो यही करते थे, आपके मैटर्स में, पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व हो जाते थे वो, तो यानी कि हड्डी फेंकते थे पहले भी। तो अब फिर वही वही सीन है, अब ये कर रहा है, यूएस कर रहा है। तो यार कम से कम मैं समझता अपने मुल्क की प्रेस्टीज का तो ख्याल कर लें यार। सलाम वालेकुम आमिर, वालेकुम अस्सलाम, कैसे नेट हैं आप? चलो शुक्र है नेट सही हुआ। लोकेशन चेंज करने से, लोकेशन चेंज करने से भी फर्क पड़ गया। अभी ये काम करो आप अपना बताओ। ओपन ओपन एरिया में रहती हूँ मैं यहाँ पे, बस ये कि नेटवर्क इशू है, वरना ओपन एरिया में हूँ, यहाँ पे लोकेशन चेंज क्या करूँ, अच्छा खासा खुला है। नहीं, राउटर के करीब थोड़ा सा आप रहो ना तो उससे हो जाएगा, इंशाल्लाह आ जाएगी। ये भी होता है राउटर से करीब करीब रहने का भी फर्क पड़ता है उससे, फिर डिस्कनेक्ट होना शुरू हो रहा है ऐसा लग रहा है। अब बताओ आप बताओ। अभी आपकी वॉइस सही आ रही थी, अब वॉइस दूर जा रही है। उधर ग्रुप में पता क्या चल रहा है, भुट्टो 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 यूं था भुट्टो वो था, हमारे यहाँ सब सारे पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, जैसे ये मुल्क संवार देंगे सारे, पहले वाले संवार नहीं सके 75 साल में, क्या संभलेगा मुल्क। अल्लाह रहम करे, कहने को जो काफिर हैं जिनको हम काफिर कहते हैं उनके जो, हमारी हुकूमत अगर मर्दों को रोजगार दे दे ना, तो आप यकीन करें औरतों को निकलने की जरूरत नहीं है। हकीकत है ये, जानबूझ के नहीं चाहते ऐसा अफशान, ये जान के नहीं मर्द चाहते के कि पास तो जॉब होगी ना, गलत अगर कोई गलत निगाह से देखता है तो वो काम छोड़ के घर में भी बैठ सकती है, क्योंकि उसकी शोहर हाँ की जॉब होगी। यहाँ पे मर्द की हाँ जॉब है नहीं, खवातीन पे ब्लैकमेल हो रही है। अब हम हाँ घर की हैं, दवाई भी लाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, तो हमारी हुकूमत में बहुत मुझे अफसोस है, हमारी पाकिस्तान की हुकूमत पे, खास तौर पर अपने कराची की, क्योंकि आप मेरी सही कह रही कहानी हो, कराची है, कराची की कराची में जिंदगी तो आप का सही कह रही हो। है। ब्लैकमेल का जो आपने बताया ना, मेरे काफी दोस्त ऐसे हैं जिनका, अभी मैं न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की बात, न्यू कराची की बात कर रहा था, नॉर्थ कराची की ना, तो वहाँ न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये बताया था कि फैक्ट्रीज में खवातीन को ब्लैकमेल किया जाता है। ये बात सही है, सुना है कभी? मैंने तो सुना है, मैंने तो सुना है कि खवातीन ब्लैकमेल हो रही है बेचारी वहां पे ना, जाहिर है वो मजबूरी में कमाने निकलती हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। आप यकीन करो, यहाँ पे शराब के अड्डे बन गए, मैंने हाँ खुद वो तो बने देखा हुए, है वो 22 तो मुझे साल की पता है लड़कियां शराब पी रही हैं। क्या। हम हाँ हमारे पास वो तो बने कोई हुए नहीं था हैं। जी, 22, बाकायदा मेरे पास एक बच्ची आती है और कहती है आपके पास 200 रुपए हैं, वो मैं खड़ी भी हूँ वहां पर, और मैं बाकायदा मेरी फाइट हो रही है इसके ऊपर, तो वो कि अच्छा आप ये बंद करें, आप क्यों मुसलमानों को दे रहे हैं शराबे, क्यों मुसलमान को दे रहे हैं। उन्होंने बहुत बदतमीजी करी, मेरे पास बाकायदा वीडियो मौजूद है,
अच्छा एक बच्ची मेरे पास आती है 23-24 साल की, वो कहती है आपके पास सिर्फ 200 रुपए होंगे, मुझे ड्रिंक लेनी है। हाँ आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हमारी माए बहने ही ये हमारी हुकूमत क्यों हाँ नहीं मान रही मजबूर है कि यानी निकाल के दे। अपनी जरूरत नहीं, एक वजह और भी तो है, एक चीज और भी है, लेकिन हमने भी तो अपनी जरूरत से ज्यादा अपने चादर से पांव बाहर निकालने शुरू किए, ये भी तो है ना। ऐसा नहीं है, देखो सबकी जरूरतें हैं, ख्वाहिशा सबकी होती हैं, लेकिन चादर से पांव भी बाहर नहीं निकालने चाहिए। और बाकी देखो महंगाई तो हो चुकी है बेइंतहा, फिर भी पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से सस्ता है। पाकिस्तान, फिर मैं लिटरली बता रहा हूँ, पाकिस्तान मर्दों के पास रोजगार हो। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, तो खवातीन गलत कदम ना मजबूर उठाएं, ना हो बिल्कुल औरत। बिल्कुल। एक प्रोस्टिट्यूट की भी अपनी, वो भी कहीं ना कहीं चार दीवारी में रहना चाहती है इज्जत से, एक बात है, मतलब वो भी कोई इस तरह से चर्चा नहीं करती। अगर अगर मर्द इज्जत देना शुरू कर दे ना, ये हकीकत है। देखिए कुरान में अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि जब एक मर्द की जिम्मेदारी है कमाना, अगर मर्द नहीं कमाएगा तो डेफिनेटली फिर गलत रास्ते निकलते हैं, खवातीन फिर कहाँ से जरूरत पूरी करेंगी, फिर ये गलत माशरे को परवान चढ़ता है। लम्हे के लिए मान लेते हैं कि लोग जा रहे हैं इस रास्ते पे, तो जो कम से कम मजबूरी में जा रहे हैं वो तो स्टॉप हो जाएंगे ना, वो तो जो रुक जाएंगे, मजबूरी में जा रहे नहीं तो हैं। खुशी खुशी जब से रोजगार भी। उनके बाप भाई के पास होगा तो कम से कम वो मजबूर होके तो नहीं हाँ करेंगी ना। कौन कौन करना क्योंकि चाहता आपको है, ये पता है हकीकत कि है। नहीं उसमें बिल्कुल सही कह रही हो आप, उसमें ना फर्क वाजह हो जाएगा कि हाँ जी शौकिया जो है वो शौकिया तो है, वो पता चल जाएंगे, मजबूर जो है वो कभी भी इस तरफ नहीं जाएंगे, हकीकत है। नहीं सही कह रही हो आप, बहुत बुरा माशरा, बहुत सिस्टम बहुत बुरा हो चुका है। बल्कि अभी लाहौर की भी, मैं चैनल का न्यूज चैनल का वो देख रहा था प्रोग्राम, बहुत टाइम से हो रहा था ये, तो लाहौर में भी हो रहा है, दूसरे सिटीज में भी हो रहा है। मतलब वहां तो अल्लाह माफ करे, अच्छी अच्छी फैमिलीज की लड़कियां दिखने में तो अच्छी लग रही होती हैं, साफ सुथरे मतलब पढ़े लिखे, अफसोस होता है, और सस्ते पैसों अफसोस में होता वो है अल्लाह माफ करे रोडों बस पे खड़े हुए होते मजबूरी हैं में, जो मजबूरी में कर रही है ना उनका बड़ा दिल दुखता है, क्योंकि ना, हकीकत है वो बिल्कुल। मजबूर होकर भी हाँ खवातीन मजबूर, और मजबूर ये करते इस भी हैं। रास्ते पे आ रही है, नहीं आना चाह रही लेकिन आ रही है, क्यों? क्योंकि मजबूर है। अच्छा एक मैं एक, खैर नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक ऐसे बंदे को मैं पर्सनली जानता हूँ, जाहिर है जिंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे अपने, उठना बैठना होता है बंदों का, हर इंसान का, मर्दों का ज्यादा, सोसाइटी में उठना बैठना होता है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, ये लोग मजबूर खुद करते हैं, अक्सर मर्द भी खुद मजबूर करते हैं वो इस तरह। एक बंदे को मैं जानता हूँ, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन था, क्या रिलेशन है, आप दोस्त मैं नहीं कहूंगा, शायद वो सुन भी रहा हो, देख भी लेगा वो, आप यकीन करना, वो पता है क्या कह कह कर वो इन लोगों का इस्तेहसाल करता है, आई मीन के जो मजबूर खवातीन है ना, तो वो पता है क्या करता है, वो कहता है कि यार कितने गरीब घर की बेचारी, और फायदे पूरे लेता है वो, यकीन करना ये इस तरह का सिस्टम चल रहा है, अल्लाह माफ करे। यानी मैंने उसको बोला यार तू किस तरह का बंदा है कि तू एक तरफ तो बोल रहा मजबूर है, उनको चार पैसे भी दे रहा है और तू उनका फायदा भी उठा रहा है, मतलब ये सिस्टम बन चुका है, बन बन चुका चुका है है, अल्लाह माफ करे। आप मतलब मर्द खुद हमारे भी पाकिस्तानी मुल्क को देख लें कि अभी रमजान सर पे, आप यकीन हाँ करें ये कमर तोड़ेंगे गरीब की, ये तो क्योंकि करेंगे हम देख पाकिस्तान सकते हैं तो हम मुसलमान हैं, हमें शर्म आनी चाहिए अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये कमर तोड़ेंगे रमजान में और फिर भीख अभी मंगा अभी वहां बनाते हैं पे, मुसलमान, कितना बुरा अभी तोड़ पता है, के अभी मरा पता है था वो। जर्मनी में, अभी मैं न्यूज भी देख रहा था, और इस तरह पहले भी हुआ है, जर्मनी हो गया, हिंदुस्तान, मतलब इंडिया की बात कर रहा हूँ, इन जगहों पे ना सॉरी, अच्छा इन जगहों पे ना प्रॉपरली पता क्या हो रहा है, वो ये अभी स्कीम्स निकालेंगे लोगों के लिए, स्कीम्स निकालेंगे कि मतलब खाने पीने की अशिया, खुर्दनोश जो होती है, ग्रोसरी आइटम्स जो होते हैं वो सस्ते कर देते हैं ये लोग, अभी जर्मनी, सस्ते कर ये देते यूरोप हैं, है, यूरोप है, सस्ते हैं ये जो आप, काफिर लोग हैं जिनको काफिर कहा जाता है, हमें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर, शर्म है कि बिल्कुल हम मुसलमान हैं और रमजान कितना अब मुकद्दस आने वाला महीना है, है, 15 दिन लोग है काफिर थोड़े। इंसान बन जाते हैं, काफिर मुसलमान बन जाते हैं, हमारा तो शैतान भी बंद होता है। सीखने सही बात है, वाली बात है ना कि अल्लाह तो शैतान को भी बंद कर देता है इस महीने, लेकिन हम हकीकत है। मुसलमानों की शैतानियत नहीं खत्म होती। अच्छा एटीएस जो ने इन बातों पे मजाक उड़ाते हैं हमारी ना, बड़े हरामी है, मेरी पिछले चैनल पे ना बड़ी उनसे फड्डे वड्डे होते थे, ठीक ठाक एथियस यानी लादीन जो लोग होते हैं, आपके आदीस का अल्लाह माफ करे मजाक उड़ाते हैं, वो कुरान की आयत का मजाक उड़ाते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि नबी, तुम्हारे नबी के जमाने में तो नौज बिल्ला लौंडी वोंडी इस तरह की बातें करते हैं, लौंडी होती थी भाई, बहुत सारी चीजें, और माले गनीमत, जंग वाला मामला, और बहुत सारी चीजें उसके पीछे अहकाम है, बहुत सारे के बहुत सारी चीजें हैं, वो डीप एक वो फिर दूसरा टॉपिक चला जाएगा।
आप बताओ, और बताओ मजीद, कराची का आज क्या हुआ है? ये जो JUI वाले, ये वही JUI वाले, ये वही जो कुछ अरसे पहले डी चौक में सुप्रीम कोर्ट का गेट कूद के जा रहे थे ना अंदर, वही है ये JUI वाले, पीले कपड़ों में, पॉटी कलर के कपड़े पहने हुए फौज उनकी अपनी। सब एक हो गए इमरान खान को ना लाने के लिए ना, वो सब फजलुर एक रहमान जो है, फजलुर रहमान की आर्मी देखी है आपने? इमरान फजलुर रहमान की आर्मी देखी है आपने? JUI का लीडर जो है पॉटी कलर के कपड़े पहनता हो, उनके सारे जो बंदे हैं लोटे से पानी पीते हैं कसम से, आपने देखे वो? यकीन करो, हमारे पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान के लीडरों का इतना नाम खराब हो गया है पूरी दुनिया में। अच्छा लोग हंस रहे हैं कसम से, मीम बना रहे हैं लोगों पे ना, कि अभी थोड़े दिन पहले तो डी चौक पार करवा रहे थे इनको अभी। हाँ सही है, नाम क्या खराब क्या होगा, बेइज्जती हो रही है, अल्लाह करे गैरत आ जाए, लेकिन नहीं आएगी मुझे लग रहा है। दुनिया में, पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ बातें हो रही है उनके लीडर के, अल्लाह करे कि इन्हें शर्म आ जाए, इन्हें गैरत आ जाए, अल्लाह करे, लेकिन मुझे नहीं लग इनका रहा। नाम अब मुझे खराब पता हो नहीं गया। क्यों लग रहा है कि छांटी हो रही है इनकी ना सबकी, मतलब रूल भाई कायनात का मालिक अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक ने एक सिस्टम ऐसा अल्लाह बनाया की हुआ है, लाठी दे आप, लाठी अल्लाह की बेवाज है। लाठी मुझे लग रहा है भाई दे अल्लाह दे पाक अब जो है ना कोई आप, फैसलों की तरफ जा रहा है वो मामला। अल्लाह ने इनको मकाम, बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल जो इनके ऐसे ही। साथ किया है ना, ये मकाफाते अमल अल्लाह ने हमें दिखा दिया कि अभी मैं हूँ, रब कह रहा है कि मैं हूँ। सारी हाँ नहीं जितनी अल्लाह तो जितनी चोरियां थी, लुटेरियां थी, सब कुछ सामने आ गई, सब कुछ हकीकत सामने, है, बच्चा बिल्कुल बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। आप किसी बच्चे से पूछो, मैं तो कराची वालों को बोलूंगी, पूरे कराची ने इमरान खान को वोट दिया, लेकिन आप हाँ देखिए बिल्कुल। अभी तक लीडर सिलेक्ट नहीं हुआ। ये इदारे जो 60 60 साल से अच्छा ये लीडर हुकूमत सेलेक्ट नहीं करते हुआ, हुए आ वजीर रहे हैं, आजम भी नहीं बना अभी, और वो वजीर आला मुंतखब हो गई आंटी, यानी आवाम तो कल भेजे देखी हमने तकरीब ना, वो देखी, और वो अंदर वाले वोट दे रहे हैं असेंबली, वो देखा था सेनेट में क्या हो रहा था कल, देखा नहीं? वो हलफ ले रही थी वो, मरियम नवाज की बात कर रहा हूँ। हाँ। कहीं हुआ ऐसा? अभी प्राइम मिनिस्टर अभी आया नहीं आपका, आप जो चीफ मिनिस्टर बन गया वक्त से पहले, ऐसा होता कहीं? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, लोग को यकीन मतलब नहीं है, मैं खुदा की लोगों कसम ने साउथ कितना, अफ्रीका में नहीं ऐसा होता, जहाँ कानून ही नहीं है। साउथ अफ्रीका में भी नहीं होता ऐसा, जहाँ कानून के नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पे भी नहीं हो रहा। तो ये अब्बू और चचा की लड़ाई, ये ग्रुप में चल रहा है भाई, कोई बच्चोदियां चल रही है इनकी। तो कुछ बच्चोदे याद आ रहे हैं मुझे, बच्चोदों से कुछ बच्चोदी वाली बात करनी है। मैंने कहा चलो, पता नहीं कहाँ है वो आज, एक दो बच्चोदे थे हमारे ग्रुप के, अलग लेवल के बच्चोदे हैं वो, एक होता बच्चोदा एक होता है एंड लेवल बच्चोदा। मैसेज शो हो रहे हैं आपके पास? हेलो हेलो हेलो, आप चली गई फिर से, लग रहा है आपका फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है नेट। आ गया नेट, आ गया, आई थिंक नेट आ गया आपका दोबारा। फिर चला गया था। आप कुछ कह रही नहीं, आ गया नेट, आ गया जी, आ गया आ गया, आ गया, शुक्र है आ गया आ गया। अच्छा कराची बताएं क्या क्या और क्या कह रही थी आप? अच्छा कुछ कह रही थी, के, देखिए मैं तो कराची पे ही बात करूंगी, पहले हम अपने कराची जहाँ हम रह रहे हैं, पहले हम उस जगह को, तो उस जगह के लिए तो पहले हम अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, जाहिर सी फिर बात, आगे कदम बढ़ाएं। मैं तो जाहिर सी बात। कराची का ही इतना बुरा हाल करके रखा हुआ है, बहुत बुरा। हकीकत है, वो तो कभी भी अच्छे नहीं थे, पहले भी अच्छे नहीं किए इन्होंने, पहले वो भाई लोग आते थे रहते थे। आप यकीन करो, खुदकुशियां करते हैं कितनी, आपने कराची के हवाले से खुदकुशियां सुनी होंगी कि 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, आसान लग रहा है, मौत आसान लग रही है। इनको फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो जबरदस्ती मुसल्लत हो रहे हैं देख लो, इस सूरत में क्या करना, बंदा क्या करे, निकल जाए मुल्क छोड़ के निकल जाए, और क्या यही करे भाई। मैं इसलिए कहता हूँ, देखें आपका अरे पैसा हराम का थोड़ी देखिए, है, मैंने एक निकल वो व्लॉग बनाया चुके था। हैं, निकल 90% निकल चुके हैं लोग, लोग बिल्कुल पागल निकल गए, दीवाने भाग हो गए, गए, आधे से कराची ज्यादा का डीएचए एड्रेस खाली है। भूल अरे कराची का आधे से ज्यादा गए, भूल डीएचए खाली हो चुका है, लोग चले गए यहाँ से। डीएचए से मतलब पता है क्यों कह रहा हूँ मैं, गए बैरिया आप टाउन ही खाली हो लोग। गया। अभी 20 20 लाख रुपए पे, 15 15 लाख रुपए पे डिस्काउंट पे आपको अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं कराची बैरिया टाउन में, वजह ये खरीदार नहीं है वाह ना, वाह, लोग भाग रहे हैं, क्या करेंगे भाई। आप आवाम के बीच में आए और आवाम से सवाल करें कि भाई पाकिस्तान में रहना है या बाहर जाना है। आप यकीन करें, 90 90% लोग आपको यही कहेंगे कि हमें बाहर जाना है, यानी हमारे पाकिस्तान का इतना खूबसूरत निज़ाम बना दिया है हमारे लीडरों ने, 50 सालों में, 55 सालों में इतना अच्छा निज़ाम बना दिया है कि माशाल्लाह आवाम भागने को तैयार है।
सही बात है, भागेंगे लेकिन वो भागना भागना नहीं है, वो बेसिकली वो अच्छा है, अच्छा है। अल्लाह करे ये हिजरत, इसे हिजरत कहते हैं और हिजरत में बरकत है, नबी की सुन्नत भी है। जो मुसलमान जो जो अगर देख रहा होगा उनको पता होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है, और सिर्फ मुसलमान ही, मुसलमानों ने हिजरत नहीं की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली हिजरत नहीं की। असाबुल कहफ का वाक्य कुरान में मौजूद है, सूरतुल कहफ में अल्लाह पाक बता रहा है वाज़ेह तौर पर, असाबुल कहफ से अल्लाह पाक ने हिजरत करवाई थी, असाबुल कहफ से अल्लाह पाक ने हिजरत करवाई है। ये सुन्नत है हिजरत करना, क्योंकि जब हालात आपके मुवाफिक ही ना हो तो आप क्या करोगे। सही है ना, मतलब जब हालात आपके उसमें है ही नहीं, आपका कंट्रोल ही नहीं है, आप सच बोल नहीं सकते, आप सच बोलोगे आप बंदा गायब हो जाता है। नहीं चाह रही, यानी कि लीडर्स इतना बेहतरीन काम पाकिस्तान के लीडर्स कर रहे हैं, क्या वहां पाकिस्तान में ही नहीं रहना चाह रही? तो क्यों रहेंगे? अब आप पता है यहाँ की वो, मैंने जुनेद अकरम का एक अच्छा मैंने ना जुनेद अकरम की पॉडकास्ट देखी थी 3 रोज 4 रोज पहले ना, उसमें जुनेद अकरम कहता है कि अच्छा उसने एक चीज और बताई, वो कराची की सड़कों का हवाला दे रहा था कि यार कराची में देखो ये क्या हो रहा है, देख लो कोई रूल एंड लॉ रेगुलेशन कुछ भी नहीं है, वो तो पूरे मुल्क में कहीं नहीं है लेकिन वहाँ कराची में कुछ ज्यादा मसला है। तो मेरा तो खैर दिल जलता था भाई, मैंने तो शिफ्ट कर लिया खुद को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने तौफीक दी कर ली, जिस जिसको अल्लाह तौफीक दे कर ले भाई, वो कोई गलत नहीं कर रहा, हिजरत कर लेनी चाहिए। तो कहने का मतलब वो जुनेद अकरम कहता है कि पता नहीं सॉरी भूल गया, मैं बताता हूँ अभी आपको किस हवाले से बात हो रही थी जुनेद अकरम को, कोई मैं कोई बता रहा था कि हाँ जी कि न्यू जर्सी में बंदी ने, न्यू जर्सी जो है न्यूयॉर्क का, उसका पूरा सिटी प्लान करके एक इंजीनियर लड़की ने, पाकिस्तानी लड़की है, पंजाब साइड की है, उसने बाकायदा प्लान, सिटी प्लानर है वो, यानी वो इंजीनियर है और सिटी प्लानर है, वहाँ का सिटी को जो भी नक्शे वगैरह बनते होंगे, जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती होगी, आर्किटेक्चर्स हायर करती होगी, वो खुद भी इंजीनियर है वो बंदी ना, तो मतलब पाकिस्तान का टैलेंट वहाँ जाके सब कुछ कर रहा है, और करेंगे करेंगे जाहिर, अपने मुल्क में आपको आप मौका नहीं दोगे तो क्या करेंगे, लोग भागेंगे, यही होगा। जो मजबूर है बेचारे वो गुनाहों में लग गए, जो मजबूर है बेचारे वो गुनाहों में लग गए ना, पैसा कमाने के लिए। पेड़ कैसी, देखिए आसान है। अभी मैंने परसों मेरी जब बात हुई थी तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा लोगों को तालीम मुश्किल लगनी लगेगी, नशा आसान लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारे देखिए प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो 6,000 रुपए फी फीस है, 4,000 रुपए फीस है, तो बच्चों को लगेगा ये मुश्किल है, हमारे माँ बाप दब रहे हैं कर्जों के जरिए, और आप करो नशा आसान बिकेगा, नशा आसान हुआ है। नहीं, हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में बिकता है, आइस तो बहुत ज्यादा कॉमन है। किताबें फेंकेंगे, हाँ किताबें फेंकेंगे और नशा करेंगे, बिल्कुल माँ बाप को डिप्रेशन में देखेंगे ना तो वो किताबें फेंक देंगे। अच्छा अच्छा, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट को भी पता है ये बात, कॉलेजेस के मैनेजमेंट को पता है कि नशा बिक भी रहा है, अंदर आ भी रहा, जा भी रहा, वो इतने बड़े माफियाज है ना, वो बहुत बड़े माफियाज है। अच्छा पाकिस्तान से बाहर ना, नशा कराची की जितने भी कराची को संभालने वाले ना उन सबको पता है कि हमारे कराची में 2 नंबरी हो रही है और कौन कौन कर रहा है, कंजर के बच्चे हैं वो, हाँ इसमें कोई शक नहीं है, हकीकत है, हकीकत जोड़ के बैठ जाते हैं ना कि हम कराची को संभालेंगे, कराची हमारा है। ये सर जोड़ के बैठने वाले होते 75 सालों में बैठ चुके होते, ये अगर सर जोड़ के बैठने वाले होते कब कब बैठे हुए होते, ये कभी नहीं बैठेंगे। लोगों को अब समझ जाना चाहिए, मैं तो ये अपने तौर पे अवेयरनेस की पूरी कोशिश करता हूँ। क्लियर कहा, मैंने कहा ठीक है हमारे कराची में स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज हैं, इदारे हैं, एनजीओ हैं, तो आप लोग क्यों नहीं शराब के लिए आवाज उठा रहे हो, क्यों नहीं आप आवाज उठा रहे कि हमें रोजगार दिया जाए, आप नहीं हो, आप लोग जो बड़े बड़े स्कूलों का नाम लिख के बैठ गए हो कि हमारा बड़ा स्कूल पूरा कराची में A1 स्कूल है हमारा, सही है बिजनेस है, ये भी बिजनेस है प्रॉपर, वो तो बिजनेस तो है, लेकिन अब तालीम पहले होती थी ना, तालीम हासिल करना और ये वो मकसद खत्म हो गया, ठीक है बिजनेस है, देखो भाई पेट भी चलता है, जाहिर है घर की रोजी रोटी चलेगी, लेकिन इन लोगों ने भी ब्लैकमेलिंग स्टार्ट की हुई है, पता है स्कूल वालों ने भी, इनकी भी अलग ब्लैकमेलिंग है, इनकी भी बदमाशियां चलती हैं, बच्चों को मुंह काला कर देंगे, मैंने तो ये तक सुना है, मुंह काला कर देते हैं बच्चों को, गुटका जाते हैं गुटके के लिए छापा मारते हैं कि यहाँ पे गुटका नहीं होगा, वो गुटके वाले से पैसे लिए अपनी जेब में रखे, अब गुटका बिक रहा है,
शराब पे छापा मारा, उसको कहा कि पैसे दोगे तो शराब बेच लो वरना नहीं बेचोगे। सही बात है, ब्लैकमेलिंग चल रही है, ब्लैकमेलिंग भी चल रही है, मिली भगत से बत्ता उत्ता जाता सबको, हकीकत है। वो गोरों को नहीं बख्शे अभी, वो अभी सिवनों ने बकायदा थंबनेल लगा दिया भाई, उनको वो किसी से मांग के थोड़ी खा रहे हैं, वो तो सब नंगा कर रहे हैं खुला। तो वो गोरी जो बंदी है ना, जो भी आए में पाकिस्तान, उन्होंने पुलिस वाले का थंबनेल पे लगाया कि देखो ये हमें हरेस कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी तो जहाँ हो रहे होते हैं वो तो बेचारे पिट रहे होते हैं, गोरे थोड़ी पिटेंगे भाई, गोरे तो वो हिला देंगे, वो तो गवर्नमेंट उनकी जो है वो यूएस के लोग हैं, वो यूके के अंकर, वो तो भी आए हुए, यूएस हो यूके हो कहीं के भी हो, उनकी गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है। एक्चुअली उनका पासपोर्ट भी इनका पावरफुल है। तो लेकिन हमारे चूंकि देखो ये आदत ना बन चुकी है लोगों की ना, यानी कि चाहे कोई भी हो, आम आदमी हो या पुलिस हो, ये बेचारे आदत से मजबूर हो चुके हैं। कुछ चीज़ें आदत में फितरी तौर पर ना शामिल हो जाती हैं कि नहीं यार बस ये, उनको पता नहीं चल रहा होगा ये हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हर चीज़ का एक सिस्टम है, चल रहा है चलता जा रहा है, हरेस करने वाले हरेस कर रहे हैं करते जा रहे हैं। अभी वो परसों भी मैं एक वीडियो देख रहा था इंटीरियर सिन की ना, इंटीरियर सिन में वो कह रहा है छोटू गैंग, पता नहीं कौन छोटू गैंग पकड़ा है उन्होंने, वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो पुलिस देती है सारा असला। पैसा मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ सही बात है, ठीक है। हमारा कराची मुझे बहुत बुरे लगते हैं ये लोग। हाँ मुनाफिक है एक्चुअली, वो जो बात हो रही थी ना मुनाफिक है। अभी जो अपने इनके बारे में क्या कहना चाहती हो, ये जो अपने अपनों के नारे लगाते हैं, इनका क्या है सीन, 35 साल वाले पुराने अपने नारे लगवा लो बेकार की बात है, नहीं बच्चोदिया इनकी, बच्चोदे बहुत बड़े। वो मुस्तफा भाई का मैं सीन देखा था मैंने, मुस्तफा भाई वहां से निकल रहे थे औरंगी टाउन से बाहर, लोगों ने पकड़ लिया था उनको, ये बैलेट पेपर वो सारा, वो क्या नाम है वो स्टैम्प लगे हुए आप अंदर ले गए, और वो मुस्तफा भाई फुल छोड़े में घूम रहे थे, देखा था मैंने, लोग नंगा कर रहे हैं उनको, जलील कर रहे हैं, अबे ये मुस्तफा है ये पकड़ो इसको, मुस्तफा का माल। देखी थी वो वीडियो, देखी है बहुत मशहूर हुई है वो, आवाम के सामने बन गई वीडियोस हो गए बेजब। लेकिन नहीं वो छोड़े में घूम रहे भाई, बहुत सवाब का काम है उनका ये, इसमें कौन सी बुरी बात है, थूक के चाट लिया क्या हो गया भाई, थूक के चाट लिया कौन सा बुरा काम है, थूक के चाट लिया सारे चाट रहे, हमने चाट लिया तो क्या हुआ। अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम जबरदस्ती आवाम के सर पे बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, इनको पता है, देखो इस काम में ना नशा है, पैसा मिलता है, पैसा मिलता है ठीक ठाक, तो जब भी तो चिपके हैं, चाहे जलील हो रहे हैं कुछ भी हो रहा है, फिर भी लगे रहेंगे, मतलब जाहिर है। हाँ क्या आवाम बाशऊर हो गई है, बाशऊर हो चुकी है, लेकिन अब देखो आवाम ने तो भाई इनको रिवोल्ट कर दिया टोटली, तो आवाम तो आवाम तो नहीं चाहती, लेकिन आवाम का क्या बेचारे। अच्छा मुनाफिकों की भी ना एक वो है, मुनाफिकों की भी ना अपनी एक वो है, मतलब अजीब ही, मतलब उनकी थिंकिंग ही पता नहीं क्या है उनको, उनको पता नहीं चल रहा था हम क्या बकवास कर रहे हैं। वो जैसे ग्रुप में चल रही थी बात, एक ग्रुप में चल रहा था ना शाम में दोपहर में, कल भी आई थिंक कोई था, तो इनको सही गलत नजर नहीं आता, आपको दिख रहा है हमें दिख रहा है, दुनिया में हर शऊर रखने वाला हर शख्स देख रहा है कि यार सही क्या गलत क्या, इनको पता नहीं चल रहा। इस पे आप क्या कहना चाहती हो, मैं क्लियर बोल रही हूं, या तो वो चूतियां या हम चूतियां, इसको एक्सेप्ट करो, नहीं गलत को एक्सेप्ट करो, देखिए इमरान बेहतरीन, नहीं या तो फिर वो चूतियां या हम चूतियां, हमें लगता है शायद हम मुनाफिक हैं। सही बात है, फाइट पर लेकर आना है, इसी तरीके से कोई फरिश्ता नहीं है, ना हम फरिश्ते हैं ना लीडर्स फरिश्ते हैं, आप भी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इंसान हूँ, लीडर भी एक इंसान ही है। देखिए कब्र में उसको कोई शेर या हाथी तो खाने आएगा नहीं, कब्र में कीड़ों ने खाना है, हमको भी कब्र में कीड़ों ने खाने, कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारे लीडर को शेर ने खाना आना है या चीते ने खाना आना है। हाँ नहीं खाना, हकीकत है ये तो फिनोमेन ऑफ नेचर है, लेकिन अल्लाह से हमें दुआ यही करनी चाहिए कि हाँ एक्सेप्ट करो, नहीं बहुत ज्यादा मुनाफिक, हद से ज्यादा मुनाफिक हो चुके हैं, आखिरत भी खराब कर एक लीडर के पीछे अपनी आखिरत खराब करना, तो कब तक, सबको सब पता है, सब दिख रहे हैं, सबको सब दिख रहे हैं, सब देख रहे हैं क्या मुनाफिकत है क्या चल रहा है, सब कुछ दिख रहा है।
कोई कह नहीं सकता कि आप जिंदा जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल मौत तो बरहक है ना। हाँ बस अल्लाह इनके नक्शे दिखा रहा है, हाँ दिखा रहा है अल्लाह पाक, जो इतने सालों से टैक्स पे जो इदारे हमारे कर रहे थे ना ऐशो आराम, सब सामने आ गए, सब खुल के सामने आ अच्छा, गए। टैक्स के बारे में आप क्या कहते हो? टैक्स देना चाहिए कि नहीं, आप ये मैं बताओ थोड़ा नहीं सा। कर पा रहा, आप क्या कहते हो टैक्स के हवाले से, क्या कहना है आपका? टैक्स देना चाहिए पाकिस्तान में कि नहीं? मैं तो बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। हमारे इदारे अगर काम नहीं लगेगा कर ही नहीं? रहे तो इनको नहीं देना चाहिए, नहीं, हमारे वैसे लिए भी वैसे भी टैक्स तो आपके जरूरी है। टैक्स काट ही रहे हैं, पता है? मतलब आप टैक्स दो ना दो तो भी टैक्स तो कट रहा है, आप डबल डबल टैक्स कट रहा है। आप बैलेंस मोबाइल में डालो तो भी टैक्स कटेगा, ठीक देखो मैं तो है ना? हमें 100 रुपए में से मैं तो 30 रुपए आएंगे हमें आपके पास। वॉइस चली गई आपकी, आई थिंक डिस्कनेक्ट हुआ आपका फोन, नेटवर्क चला गया था, अब आ गई। हाँ बताओ हाँ बताओ बताओ। नेटवर्क चले गए। लेकिन टैक्स पे तो मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, मैं किसी भी लीडर की अल्हम्दुलिल्लाह चमचागिरी नहीं करती, क्योंकि जान मैंने अपने रब को देनी है, बेशक अल्लाह बेशक को देनी बेशक, है। सही मैं बात। क्लियर बात बोलूंगी कि टैक्स पे तो जो हमारा राइट बनता है ना, हमारी हुकूमत को वो देना चाहिए जो हमारा राइट बनता है। एक्चुअली टैक्स टैक्स जो का पता क्या करते होता हैं है पूरी हम दुनिया में? टैक्स का हमारे आउटपुट इदारे, क्या है पता है? टैक्स का आउटपुट पता है क्या है? टैक्स, आप टैक्स भरते हो ना, आपकी एजुकेशन फ्री होती है, मेडिकल फ्री होता है। यहाँ कौन सा एजुकेशन है? तो कचरा नहीं उठा रहे हैं, ये तो यहाँ बाहर तो कचरा मुल्कों नहीं में उठा रहे है, लानती, और टैक्स डबल ले रहे हैं बाहर भाई। मुल्कों में हाँ कमर तो हाँ ऐसे बिल्कुल, रखी हुई है। आप अगर काफिर टैक्स है पे वो, कर रहे काफिर है वो, हो काफिर है भाई, जहन्नुमी है, काफिर है वो। काफिर है, सही बात है, वो जहन्नुमी है, वो काफिर है, तो अल्लाह माफ करे, वो ये काफिर है, ये मुसलमान, जन्नती है, ये ये जन्नती जन्नती है। हर थोड़े दिन में स्टेटमेंट बदल लेते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस है। पार्टी यानी में। हम टैक्स पे कर रहे हैं, खुदा रहा हमें हमारे राइट्स तो दो, हमें हमारी सहूलतें तो दो, बिल्कुल हम कौन सा कह रहे हैं कि हमारे घर को आके संभालो, लेकिन जो हमारे राइट्स बनते हैं वो तो दो, बिल्कुल मुझे बिल्कुल, गवर्नमेंट नहीं देंगे ये। स्कूल दिखा दो, मुझे अरे बहुत गवर्नमेंट लानती लोग हॉस्पिटल, हैं। ये प्राइवेट स्कूल गरीब इंसान नहीं बर्दाश्त कर पाता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, कैसे और जिसके सरकारी स्कूलों में स्कूलिंग भैंसे अच्छी है खड़ी वो हुई है, देखिए, पाकिस्तान का ये हाल है, सरकारी स्कूलों में जिसका भैंसे एक खड़ी बच्चा हुई है। होता है ना, वो जद्दोजहद करके अपने बच्चों को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है एक है जद्दोजहद कर लेते हैं, लेकिन जिसके दो हैं तीन हैं वो बेचारा गरीब कैसे पढ़ाए अपने बच्चों को। हमारी सही हुकूमत बात है, इतनी आपके गरीब है, वो करीबी देश में ना, वो ये क्या नाम है, इंडिया हिंदुस्तान में एजुकेशन फ्री कर दी इन्होंने 12वीं तक, उनका 12वीं तक मैट्रिक होता है, हमारे यहाँ तो 10 तक था, वो भी बड़ी मुश्किल से, पता नहीं कैसे 10 कर आपके दिया इनका, पास बस यही चले तो टैक्स शायद 5वीं तक मैट्रिक कर दें। फिर माशाल्लाह मेरी तरफ से मेरी हुकूमत थैंक यू सो मच, पाकिस्तान इस की लानत को पूरी एक्सेप्ट किया जाएगा, हुकूमत, अल्लाह अल्लाह ने जहाँ, हमारी तरफ से तो एक्सेप्ट किया, मिला के लाना देते हैं हम। तो हुकूमत है कहाँ अभी? अभी तो बगैर हुकूमत के चल रहा है सब, अभी तो बगैर हुकूमत के चल रहा है सब। ये मुसलमान है, आपको मुसलमान है ये, और हिंदू है वो काफिर है, वो लग रहा है आसमानियां मुसलमान पैदा है कर रहे हैं आपको? अपने, आपको लग ऐसा रहा है कि इसीलिए तो मुसलमान है कामयाब है नहीं वो। वो? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मुसलमान आपको लग रहा ही है, उनसे भी बदतर है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह बहुत हिदायत दे। शैतानी काम हम मुसलमानों ने लिए हैं, अच्छा ये जो आप बहुत शैतानी जो बोला काम था ना कि किए शराब हैं। के अड्डे खुले हुए, आपको पता है ये प्रॉपर लाइसेंस है इनका, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने खोले थे ये। मैं आपको हाँ ऐसी ये हवाई बात कोई नहीं लाइसेंस करता, ये गूगल कर लें, लाइसेंस यूट्यूब पे पढ़ा हुआ, पीपल्स पार्टी बाकायदा कर उनपे, लेते बाकायदा हैं, उनके वो क्योंकि लगे ये हुए होते हैं। मुसलमान थे, यानी वहां के मोहल्ले वालों ने हमें घेर लिया। कहाँ की बात हो रही है, किस जगह की, ये किस तरफ हुआ, ये कहाँ पर हुआ, हमारा सपोर्ट करना चाहिए, तो बकायदा मैं ये एक कहाँ पर मुसलमान हुआ के है, पास ये गई, अफशा, ये कहाँ की बात आप बता रही हो, ये जो कहा उन लोगों ने, इलाके वालों ने घेर लिया ये? कौन सी जगह थी, मेरे पास वीडियो रखी है, मैं आपको वीडियो शेयर कराऊंगी, अच्छा, मेरे ख्याल से नहीं ये भारत कहाँ पे हुआ है पाकिस्तान वाकई, के आप बीच बोलो में ना, आप लोगों लोकेशन घेर की साइट लिया। थी, तो वहां पे हम लोग गए थे, तो वहां हाँ पे बाकायदा मैंने एक अंकल से कहा, मैंने कहा भाई आपका जो बच्चा है ये जो आपके पीछे जो बैठा है, जिसे अभी स्कूल टाइम था, मैंने कहा ये आप स्कूल से हाँ सही है, ये अड्डा, लेकिन नहीं बंद होने दिया, नहीं अच्छा, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं, तो पूरे पूरे भत्ते लिए जाते हैं। भत्ते लिए जाते हैं, ठीक है। और ये प्रोस्टिट्यूशन के जो अड्डे चल रहे हैं ना,
रंडी खाने, ये भी सपोर्ट में चल रहे हैं, बगैर उसके थोड़ी चल रहे हैं, सबको पता है। मैंने तो सुना है कि डिफेंस में माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बोलूं मैं, हम मुसलमान हैं, शर्म आती है हमें अपने ऊपर। सिर्फ डिफेंस में नहीं, अड्डे चल रहे हैं, ये सुना है ना, ये सुना है ना, अड्डे चल रहे हैं, ये सुना है ना। डिजिटल डिफेंस में थोड़ी चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं। जौहर तो भरा पड़ा हुआ, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। जब मैं बच्चा था ना, नन्ना मुन्ना राई देश का सुबाई था मैं, तब से मैं सुन रहा हूँ जौहर तो मशहूर है, अड्डे अड्डों पे अड्डे बने हुए, सरजमीन है इनकी। आवाज आ रही है? हेलो, जी 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 जी। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो बहुत पहले से चल रहा है, बहुत पहले से। और देखो बगैर, देखिए आप और हमें ये खबरें पता चल रही होती हैं, नॉर्मल एक जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, तो जिनका काम है उनको नहीं पता, क्या पुलिस वालों को नहीं पता कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इतना खुल के हो रहे हैं, चल रहे हैं भाई, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, क्या बोलें, पता सब है। बगैर मिली भगत की कोई चीज़ नहीं होती इस मुल्क में ना। ये तो आई जी साहब का भला हो, आई जी सिंह साहब का, उन्होंने नंबर इशू किए हुए गवर्नमेंट के ना, कि अगर आपको कोई FIR लॉन्च करने में या कंप्लेन करने में आपकी लॉन्च नहीं होती तो आप इस नंबर पे कंप्लेन कर सकते हो। उन्होंने नंबर्स दिए हुए कुछ, मैंने शेयर भी किए थे ग्रुप में कि भाई ये इस तरह से नंबर्स हैं। बाकायदा उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर एक दिया हुआ था कि इस पर कंप्लेन करें, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था, मैं अगेन शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ये एक अच्छा इकदाम है, ये उस टाइम स्टार्ट हुआ है ये काम सारा, जब डॉक्टर कलीम इमाम साहब हुआ करते थे ना IG, तो तब की बात है ये। और अभी आई डोंट नो कौन है सब, मीर मुश्ताक मेहर आ गए थे दोबारा, अब आई डोंट नो, गुलाम नबी मेमन आ गए थे, लेकिन ये कि ये अच्छा इकदाम है। उसका रिस्पांस मैंने देखा भी है, लोग किसी को अगर नंबर सेंड किए भी है ना कि भाई अगर आपकी कंप्लेन नहीं होती, नहीं ली जाती, FIR नहीं करती, तो आप IG ऑफिस के इन नंबर्स पे कॉल कर लें, आपको खुद ही आपका कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है यानी मुतालिका थाना, खुद फोन करके आपको बुला लेगा कि आप आ जाएं कंप्लेन लॉन्च कर दें। उसमें भी फिर कुछ लोग बेचारे ऐसे थे जो कोई इतने बासर नहीं थे, फिर उन्होंने कहा जी हमें फोन आया थाने से, धमकियां दे रहे हैं कि भाई हमारी कंप्लेन कर रहे हो, हमारी कंप्लेन करता है, हमारी कंप्लेन करता है, तो ये हाल है। मतलब अब वो गोरी बंदी की मैं व्लॉग देखूंगा, उसका जो बंदा है ना जैक, और वो उसकी बंदी, इनको कुछ हुआ है, मतलब कुछ हुआ है इनके साथ, इन्होंने एक्सपोज किया पुलिस की, बाकायदा थंबनेल पे पिक्चर लगाई है कि पुलिस ने हमारे साथ ये किया। अल्लाह रहम करे, धमकियों से जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं क्या करें, बेचारे नंगे होना नहीं चाहते ना, जो नंगा करते हैं ये, बस क्या करें, हम क्या करें, अल्लाह रहम करे। आवाम पावरफुल है, लोग अगर ये लोग चाहें, आवाम चाहे तो चेंज आ सकता है, अगर इसी तरीके से लाइव वीडियोस दे, अपनी अपनी राय का इजहार करें, तो मैं समझती हूँ कि फर्क पड़ेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, चाहे बिल्कुल खवातीन में हाउस वाइफ हूँ, लेकिन आप देखे मैंने हिम्मत कर ली, मैं चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, नहीं मोस्ट वेलकम, मुझे बहुत खुशी हुई आपने आके अपने अपने थॉट्स शेयर की, थैंक यू सो मच। और अच्छा है, जाहिर है हजारों लोग जब भी देखेंगे सुनेंगे बाद में, फिर अभी कोई अगर यहाँ नहीं भी देख रहा होगा, क्योंकि ये US के हिसाब से इसकी लोकेशन है, तो जैसे जैसे अभी वहाँ पे हो रहे होंगे, आई थिंक 3 के अराउंड को टाइम हो रहा है। आज सैटरडे नाइट भी है ना, पाकिस्तानी लगे हुए होंगे, कोई टिकटॉक में घुसे होंगे, टिकटॉक की गांड से बाहर नहीं आती हमारी वहाँ, ये भी है, ये भी एक रियलिटी है, और कुछ कोई गए हुए होंगे, हाँ ये हकीकत है, हकीकत। हालांकि टिकटॉक पर वो मार्केट प्लेस भी है, सेलिंग कर सकते हैं, अमेजोन की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते ये। चुतियाबों में एक नंबर है, पोर्नोग्राफी पहले नंबर पे, गूगल सर्च कर लो, टॉप रेटिंग में नाम आएगा, गंदी फिल्में दिखवा लो। आप डांस कर लो, आप नाच लो, आप दुपट्टे लहरा लो, तो ये काम आसान है। वो देख रहे होंगे, अभी काम की चीजें नहीं देखेंगे यार, अभी अभी यार लगा दो कोई कोई हरामी पर लगा दो, कोई थंबनेल पे कोई दिखा दो, छुट्टी आपके वो लीक हो गया, ये लीक हो गई, वो फौरन आ जाएगी, वहां फौरन में गए तो यूं आएंगे बाकी से, कि अपने बाप भाई बेटे की हिफाजत के लिए खुदारा ऑनलाइन आए और अपनी राय का इजहार करें। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। बच्चों के इधर आपके बच्चों ने रहना है,
पाकिस्तान में रहना। हाँ की कहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है रहान रहने नहीं दिया जा रहा, मतलब लोगों को इतना तंग कर दिया कि लोग बेचारे दुख हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा सैटरडे की वैसे भी आपका नेट स्लो चल रहा था उस टाइम, आई थिंक अब तो काफी बेहतर चल रहा है पहले से, अब तो माशाल्लाह। अब सैटरडे की वैसे थोड़ा सा ना, हफ्ते की वैसे थोड़ा सा आपका नेट स्लो था, अब बहुत बेहतर चल रहा है, अब बेहतर है, मतलब पहले डिस्कनेक्ट ज्यादा हो रहा था है ना। मसरूफ हो जाते हैं ना, पैकेज देखें, पैकेज कितने आसान कर दिए, यानी रोटी महंगी है और पैकेज है। मैं चाहूं तो अपने मोबाइल से अपने चार लोगों को शेयर कर सकती हूं पैकेज, चार लोगों को शेयर कर सकती हूं मैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान की हुकूमत, सही कह रही हो। नेट गया आपका शायद, हेलो हेलो हेलो, आवाज चली गई आपकी अफशा। अल्लाह पाक करे कि अपनी माँओं के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए। आमीन आमीन, ठीक है अफशा, थैंक यू। जा रही हैं आप? है ना, मरना तो है, हाँ सही कह रही हैं। देखिए उधर देखिए मौत तो आनी है, लेकिन जाहिर है अपने अपने टाइम पर, अपने अपने टाइम पर इंसान जो है ना, क्या कह रही है यार ये। हाँ सॉरी आवाज कट रही है आपकी, क्या कह रही है? जब बर्दाश्त करते हैं ना तो वो जुल्म मजीद बढ़ता है, कम नहीं होता। हाँ बिल्कुल बढ़ता है, नहीं जुल्म हद से ज्यादा बढ़ता गया है, बढ़ गया है, बिल्कुल सही कह रही है। बहुत भाई बहुत, अभी सुनने में आ रहा है रमजान में महंगाई हो जाएगी। हाँ बहुत ज्यादा हो जाएगी, हमेशा होती है, हमेशा हो जाती है, अभी फिर हो जाएगी ना। सिस्टर कह रही थी, कहने लगी बस आप इंतजार कर लें, अभी आप लोग हाँ गरीबों की कमरों मजीद तोड़ा जाएगा। हाँ वालेकुम अस्सलाम, ये एक आपने नीचे नाम पढ़ो कि इनके ना अफशा नीचे इनका नाम आ रहा है नौकरी शब्बीर अली इस्लाम की, हंस रही है यार ये। अच्छा ये इनका नाम है तथीर, ये बहुत हैदराबाद से है, बड़ी अच्छी दोस्त है हमारी मेरी ना, तो मेरे पुराने चैनल पे आती थी, उस टाइम में बड़ी ठुकाई करता था हिंदुस्तानियों की ना, तो वो जो साधु बाबा साधु संदेश नहीं होते उनकी, तो ये तब से आ रही है, मेरी व्यूअर भी हैं ये और दोस्त भी बहुत अच्छी। काफी सारे लोगों को पता नहीं है कि मैं दोबारा से चित्रोल करने आया हूँ, आजकल पाकिस्तानियों की कर रहा हूँ, पहले इंडियंस की करता था। एथियस से बकायदा मेरे वो हुए हैं। तथीर कुछ बता दो, तुम सुन रही हो कहाँ हो भाई? तो अभी ये आ गई है, अभी लाइव आई है, कमेंट किया है उन्होंने, हैं लाइक भी कर गई वो, एक पता नहीं कहाँ चली गई, लगता है इसका भी नेट नहीं आ रहा। पाकिस्तान में 4G से भी नीचे लेवल पे ले गए ये। और बताएं और कुछ? एक घर के अंदर जब 10 मोबाइल होंगे तो नेट तो भी होगा ना। अब एक घर में एक मोबाइल नहीं तो वो MB का भी तो चक्कर है ना, MB कितने यूज कर रहे हैं मतलब 10 मोबाइल। अच्छा लेकिन MB का भी तो चक्कर है, मतलब अगर 2 MB आप यूज कर रहे हो तो यार 3 MB मतलब ज्यादा भी होता है, MB का भी फर्क होता है, MB जो आप स्पीड लेते हैं ना, स्पीड का भी होता है, वाईफाई की बता रहा हूँ, राउटर वाला, तो स्पीड आप ज्यादा ले लें, अगर ज्यादा मतलब लोग हैं घर में, फैमिली मेंबर ज्यादा हैं तो आप स्पीड ज्यादा ले लें। हाँ बिल्कुल है, हाँ लेकिन पहले, हाँ लेकिन पहले जो है ना, पहले जय सबसे अच्छी अच्छा नेटवर्क था, अब मेरे ख्याल में जोंग वोंग अच्छा हो गया भाई। ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है भाई,
पहले ही बता दूं, पहले जैज और वो अजोंग वाले आके बोलेंगे हमारी प्रमोशन कर दी फ्री में। नहीं भाई, प्रमोशन फ्री में पेशाब नहीं बिकता, हम प्रमोशन क्यों करेंगे? एनीवे और बताएं, तो थक तो नहीं गई आप? कुछ और आपके दिल में कोई भड़ास हो तो आप चाहते हो निकाल सकें, और आप चाहें कि दबे लफ्जों में निकाल दें। खुल के बोलो। इमरान इमरान रियाज खान अभी जेल में है, अल्लाह माफ करे दोबारा। अच्छा, आवाज कट गई आपकी। नहीं, भाई ऐसा नहीं है। क्यों क्यों समझा नहीं? हेलो, क्या डिस्कनेक्ट कर दिया क्या? असल में मैसेज आ रहे थे यहाँ पे ना ग्रुप पे थोड़े से, मैंने कहा यार देख लूँ कि क्या आ रहा है। किडवाई सिस्टर को बोले बताएं आ जाएं, बताएं किसको, किडवाई सिस्टर को बोले आ जाएं, किडवाई उनसे उनसे पूछूं, उनसे पूछ के देखता हूँ। उनको लूं लाइव पे? लूं सिस्टर उनको? को लूं उनको? लूं लाइव? बोले आ जाएं। हाँ ले 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 लीजिए। ठीक 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 है। आपने जाना है? आपने जाना है लाइव बंद करके? हेलो, आवाज आ रही? आवाज आ रही? मैं कह रहा हूँ आपने जाना तो नहीं है? कह आ रही आ रही। रहा जाना तो नहीं है आपने लाइव छोड़ के? अब नहीं वो कह जाना रही है, मैंने भी पूछा, कह मैं रही लिंक भेजो लिंक भेजो। कहती लिंक भेजो, बुलाए बुलाए। हाँ बुलाए बुलाए। बुलाता बुलाता हूँ। ओके, अभी लाइव है, हम अभी हम हाँ लाइव ठीक है बैठे हुए बुला हैं लो। इस वक्त, इस वक्त लाइव बैठे हुए हैं। आप आ जाए लाइव, आ जाए, मजा आएगा, थोड़ी चिट चट करेंगे। अभी तो अफशा से बात हो रही है हमारी, आ जाए अभी। अरे ये कौन सी कॉल आ रही है यार? ये कौन से ग्रुप की कॉल आ रही है भाई? कौन कर रहा है ये? शाहिद साहब कॉल कर रहे हैं, अबे नहीं उठानी, नहीं उठानी। कौन सा ग्रुप है भाई? अबे कौन से ग्रुप पे कॉल कर दी इन्होंने? अपने हमारे शाहिद भाई हैं तो शायद आप जानती होंगी शाहिद शाहिद भाई को। भाई जानती, शाहिद भाई को जानती हैं आप? हाँ हाँ तो जानती हूँ, उनके ग्रुप में हूँ मैं। अच्छा, हमारे एक और ग्रुप है जिसमें बच्चोते भी है ना बहुत सारे, तो उनमें शाहिद भाई भी, हम भी हैं बच्चोतियों की लिस्ट में, हम भी हैं, शाहिद भाई भी उनमें है बच्चोतियों की लिस्ट में, एक शाहिद भाई का नाम भी। जिक्र किया था एक बार आपने। आवाज नहीं आई आपकी, कहाँ चली गई? हाँ अब उनको लेता हूँ, उनको नजमा आपा को लेता हूँ, उनको एक मिनट को लिंक भेज दो, जरा लिंक भेजता हूँ रुको। जरा एक सेकंड, जरा मैं इनको लिंक भेजूँ यहाँ से, जरा चेक करते हैं ये क्या कहती हैं। अब पता नहीं एक वक्त में दो कनेक्ट हो सकते हैं। नहीं मैं कमेंट्स पर आ जाऊंगी, आपको लाइक कमेंट दूंगी। अगर दो नहीं आ सकते तो फिर निजमा सिस्टर को बुला लें, बहुत बेहतरीन बोलती हैं वो, बहुत अच्छा बोलती हैं। तो क्या हुआ था? मतलब स्टक हो गई थी स्क्रीन, स्टक हो गई थी, हालांकि मैं बात कर रहा था क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे लिंक भेज रहा था उनको। नहीं वो नेटवर्क इश्यू होंगे ना तो स्टॉप हो गई थी। अच्छा, ठीक है, ठीक। आई निजमा सिस्टर आई, बोले कराची वाले बुला रहे हैं कि आ जाएं, जरा कराची की थोड़ी सी तारीफ कर दें। अच्छा मुझे इतना सब कुछ जो बताया इतना ही मुझे इतना पता था, क्योंकि मैं तो हाउसवाइफ हूँ,
मुझे काफी गाइड करा है एक एडवाइस सिस्टर ने, काफी गाइड करा है। हेलो, फिर चले, फिर स्टक हुआ था, स्टक हुआ था। अच्छा, मेरी वॉइस आ रही थी अभी बीच में, जब मैं वॉइस पे बात कर रहा था उनसे, आ रही थी क्या? नहीं, नहीं आ रही थी। ये अच्छा है, पता नहीं चलता। चलो, बंदा किसी को लाइन में लेने लगे तो पता नहीं चलता, लाइव अगर लेना चाहे तो। उफ, और बताएं जनाब, कराची को तो बहुत बुरा कर दिया इन्होंने, कर दिया है, कर चुके बस हैं। एडवाइस सिस्टर से बोले कि वो लाइव आए, कराची की थोड़ी सी तारीफ बयान कर दे, क्योंकि हाँ, मैं चाह रहा हूँ, मैंने उनको, मैंने लिंक दिया, पूछ रही है, पूछ रही उनको थी कि हमने मैं काफी गाइड अभी अभी करा है। मैसेज आया उनका, मैं एक बार कॉल करता हूँ इनको, रुके, इधर कॉल करता हूँ इधर से ना, पता नहीं लिंक लिंक लिया नहीं है उन्होंने अभी तक, कहाँ गई, कहाँ चली गई। अबे यार, ये वॉइस पे वॉइस भेज रही है, उठा नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम बाबा, ये सामने लाइव चल रही है, आप आ जाएं, आपको लिंक मैंने सेंड किया, आप लिंक पकड़ेंगी तो आ जाएंगी। अच्छा, ठीक। नहीं, आप सेट हो जाए, आप एक ले लें, यू कैन, एक दो मिनट, बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो 1 से 2 मिनट कितनी देर लगेगी? 1-2 मिनट इनफ है। उनकी भी, उनकी अफशा की भी बस निकल ली है, उनको भी निकलना, ट्रेन छोड़ रही है उनकी भी 1 घंटे से ऊपर हो गई उनको भी। नहीं वैसे, अच्छा, वैसे ही चित्रोल कर रहे हैं हम तो। हाँ वैसे चिटचट, वैसे ही उसी में चित्रोल होगी ना, चिटचट की आड़ में चित्रोल होनी चाहिए, और वही यही टॉपिक है, जिसकी चाहे। अब अभी इलेक्शन पे करें चित्रोल, जिस पे दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे भड़ास निकाले बस। अच्छा, क्या अब आपको कितनी देर में जाना है? अगर शादी वादी में जाना है तो कब जाना है, कब कर निकलेंगे? ठीक है, आपके पास टाइम है, इजी है आप? आगे भी शायद हो, आगे भी रख लेंगे, मतलब ऐसे ही होता है, मतलब अचानक ही रख लेते हैं जब पब्लिक अवेलेबल हो। तो चलें, को कर लेंगे इंशाल्लाह, वो प्रॉपर कर लेंगे। अभी तो थोड़ी, अभी थोड़ी सी भड़ास निकाल के चलिए, अभी थोड़ी सी भड़ास निकाल के चलिए, अभी मौका है। ठीक है, श्योर श्योर श्योर, ओके 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 ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। कहती हैं आती हूँ थोड़ी देर में, 5-7 मिनट, कह रही कहीं जाना भी है मुझे ना, बहुत थोड़ी अच्छा उनकी बोल भी रही सुन हैं, लेना। बहुत अच्छा बोल रही हैं। हाँ, वो तो कहती हैं, वो तो बाहर बैठी है, वो खुल के बोलेंगी ना वो इंशाल्लाह, जिस दिन आप भी बाहर जाओगी इंशाल्लाह, आप भी खुल के बोलोगी। मैं कह रहा हूँ जिस दिन आप भी बाहर जाओगी इंशाल्लाह, खुल के बोलोगी, तो क्योंकि बाहर बैठने वाले को टेंशन नहीं है ना, उनकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, सपोर्ट करती है। आमीन आमीन, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सही कह रही हो आप भाई, दिल दुखे हुए लोगों के। अब तो आपके नेबर कंट्री से आपको सिंपैथीज मिल जाती हैं, हालांकि कभी उन्होंने सिंपैथीज दी नहीं है, आपके पड़ोसी मुल्क जो है हमारा। हाँ, अब हम नहीं दे सकते, अब नहीं दे सकते, अब हम पहले लड़ते थे, कुछ हो जाता था, कोई ऐसी कोई बात कर देते थे, तो वो खाली एक वो वीडियो बना लेते थे ना, कि पाकिस्तान के अंदर ये कर देंगे वो कर देंगे। जवाब नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, हम अंदर से खुद खोखले हो गए बेचारे, हम मजबूर हो गए ना। हम 1 मिनट, हम उनको जवाब दें तो क्या दें, मुझे आप बताओ, ऑप्शन क्या दें, मतलब क्या बोलोगे आप? मतलब हमारे अपने मुल्क में अपने लोगों को नंगा किया जा रहा है, हम अपने अपने ही हमारा, मतलब अपने आप में ही हम बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बोल बोल ही नहीं सकते ना भाई, आपका जमीर गवारा नहीं कर सकता, आप क्या क्या बोलेंगे, आप कैसे करेंगे?
हाँ तो इनको नजर नहीं आ रहा, इनको नजर नहीं आ रहा जो कर रहे हैं ना ये सब, आवाम जलील हो रही है, मुल्क से बाहर लोग बेचारे जो रह रहे हैं वो जलील हो रहे हैं। हाँ जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं ना वो भी जलील हो रहे हैं बेचारे बहुत ज्यादा। आपका नेट डिस्टर्ब हुआ था, अब आया दोबारा। मैं कह रहा हूँ जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं पाकिस्तानी वो जलील हो रहे हैं इनकी वजह से ना वो सारे। बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि ये अभी इनको मौका मिले इंडिया में बैठने का तो हमारी हुकूमत फौरन चली जाएगी इंडिया। जहां जहां इन्हें हाँ बाहर मुल्कों में बिल्कुल, मौका मिलेगा ये चले जाएंगे हाँ वहां। निकल जाते, निकल इनका जाते हैं। यकीन तो करो सारों के घर वहीं इनकी बने हुए हैं जिंदगी जो ज्यादातर के, होती है ये ज्यादातर के नहीं सारों के, पता सारों के वहीं घर। कि आपका जो में बैठा है भीख मांगने के लिए। हमारे लीडरों की ये इज्जत है कि आम पब्लिक बोल रही होती है कि भीख मांगने गए। सही कह रही हो बिल्कुल। हाँ भीख मांगने गए तो खुद वो आम पब्लिक भी बोल रही है, वो उनका बच्चा बच्चा पब्लिक जानता है, का उनके लोग इतने फिर इज्जत पॉलिटिक्स में इतने। है लोग। हाँ सही कह रही हो बिल्कुल। अभी वो आज भी बराक ओबामा जो है, बराक ओबामा जो प्राइम अपना प्रेसिडेंट रह चुका है पहले यूएस का, वो आज दोबारा से जॉब कर रहा है। वो उसका तो कोई महल नहीं बना हुआ मुल्क से बाहर। उसकी वाइफ मिशाल ओबामा भी जॉब कर रही है, जॉब करते हैं ये। नेट आपके साथ चला गया दोबारा। हेलो 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 जी, आ रही है आवाज, आ रही है आवाज, अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। मैं कह रहा था मिशाल ओबामा और बराक ओबामा आज वहां पे दोबारा से जॉब कर रहे हैं अपनी कंट्री में फखर के साथ, और राइट्स भी शेयर करके जाते हैं तो ओबर के साथ, ओबर पे ये राइट शेयर करते हैं। वो तो किसी हेलीकॉप्टर में या प्राइवेट जेट में नहीं जाते, आपके हमारे पैसों पे भी नहीं जाते, अपने पैसों पे भी नहीं जाते, अपने इतने कमाई नहीं पाते वो। हेलो कौन आया है लाइव दोबारा, किसी ने ज्वाइन किया है? आई थिंक हु इज वॉचिंग अस लाइव, कौन है भाई, कौन हो, तथीर तुम हो या कौन है? और बताएं, क्या बताएं अब बोर हो गई तो होंगी बहुत आप? गुजरी हो। अच्छा बोर हो आपको गई होंगी। है, आपको उम्मीद है कि आपको उम्मीद है कि इतनी लानतें सुनने के बाद जबरदस्ती हुकूमत में बैठने के नहीं मुझे कोई बावजूद उम्मीद नहीं है, नहीं कसम, मुझे मुझे कसम से कोई उम्मीद नहीं है, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम नहीं मुझे कोई उम्मीद नहीं है ही नहीं, पहले नहीं हो सका। बदलेंगे नहीं आप। आपके मुल्क में, मेरी बात सुने, आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में जो हमारे रूट्स हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहां पे फातिमा जीना गद्दार थी बेचारी, हालांकि मोहसिन पाकिस्तान की बहन है और पाकिस्तान में बड़ा हिस्सा है उनका। जब वो गद्दार हैं तो फिर आप और हम क्या हो भाई, आप और हम किस खेत की मूली है ये बता दें मुझे। मरासले लिखती थी वो, यानी नोट पे कायदे आजम की तस्वीर है तो हाँ वो कायदे आजम बस हमारे इसीलिए हैं, कौमी बस लीडर है बकायदा से इसीलिए कहीं है तो मतलब। गद्दार हाँ गद्दार बेचारे, गद्दार अल्लाह माफ करे, इसीलिए बकायदा से चलने के लिए है बस। आज सदमे से मर जाते, हार्ट अटैक हो जाता उनको अगर आज होते ना वो। सही बात है। हम अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं, बिल्कुल क्या तालीम दे नहीं, रहे हैं बच्चे तो वैसे ही आप। शपाटा रहे हैं कायदे हमारे आजम आजकल। की हमें तालीम मिली थी, आपको तालीम मिली थी तो एक अच्छी तालीम मिली थी। मैं अपने बच्चों को अपने लीडर की क्या तालीम दूंगी कि मेरे पाकिस्तान का जो लीडर है नवाज शरीफ सच हो सच गए, बोलते हैं, जरदारी सच हो सच गए। बताएं, बोले भाई बेटा चूतिया हैं ये लोग, ये सब बिल्कुल चूतिया हैं, बता दें सब बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल बच्चों को बताना पड़ेगा, साफ बता वरना कल को पूछेंगे आपने हमें बताया नहीं चूतिया लोग थे, आपने हमें पता नहीं बस क्या बोले हैं। चैप्टर्स भी हमारे यहाँ कोई क्या बताएंगे। अपग्रेडेड तो, हमारे यहाँ कोई सब्जेक्ट्स तो पढ़ाए जाते नहीं है, हमारे यहाँ सिलेबस जो आता है वो कोई अपग्रेडेड तो नहीं है, हमारे यहाँ सब 1950 का चल लेकिन रहा है अभी भी। कमाल की बात देखो कि माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में दीनी तालीम देंगे स्कूलों में, नाच गाना उछल कूद फैशन सब कुछ है। नहीं है तो दीनी तालीम देंगे किसी स्कूल में, दीनी तालीम देंगे प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल बिल्कुल सही बात दीनी, है। हाँ ठीक है, उनको हम दुख है मुसलमान और कुछ भेजते नहीं हैं। है, हम 4 घंटे अफसोस पढ़ने की के लिए बात उनको है। भेजते हैं लेकिन उसमें से 15 मिनट भी
ये लोग ऐसा टीचर अफोर्ड नहीं कर सकते जो दीनी तालीम दे। बिल्कुल सही कह रही हो। 15 मिनट एक टीचर को अलाउ नहीं कर रहे कि आपने इन बच्चों को दुआएं पढ़ानी है और उसका तर्जुमा पढ़ाना है। यानी मैं अपने बच्चों को ट्यूशन भी अपनी यानी के अफोर्ड करती हूँ, ट्यूशन भी अफोर्ड करती हूँ और कारी साहब भी मैं ही अफोर्ड करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि स्कूल में ये जो 4 घंटे जाते हैं सिर्फ होमवर्क लेकर आते हैं, सिर्फ उसके बाद बिल्कुल ट्यूशन भी पढ़ाती होगी ना, ट्यूशन भी तो पढ़ाती होंगी बच्चों को। बिल्कुल ट्यूशन भी पढ़ाते हैं फिर कारी साहब से दीनी तालीम। हाँ लेकिन ये नॉर्मली दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता क्या? नॉर्मली दुनिया में स्कूल इनफ होता है पढ़ने के लिए, उसके बाद ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारे यहाँ फैशन है, कमाने के जरिए है ना सब, कमाने का जरिए। आप नॉलेज में होगी आपकी बात है ना कि स्कूल के अंदर बच्चों को सिर्फ वर्क दिया जाता है। मेरी खुद की अपनी बच्ची जब आती है तो वो कहती है अम्मा आज मुझे 5 किताबों का वर्क मिला है, 4 किताबों का वर्क मिला है, बेटा कुछ समझाया नहीं। नहीं मम्मा, उन्होंने कहा था घर में समझ लेना। अब घर में इसी बात है कि हम घर में बुक्स तो अभी देखें स्कूल खुले हुए, लेकिन मैं अपने बच्चों की पेपरों की तैयारी करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई में नहीं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, है ही नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यही करती हूँ कि पेपर होने से पहले मैं अपने बच्चों की 2 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देती हूँ। स्कूल में तो इन्हें पेपरों की तैयारी करानी नहीं, तो वो घर में फिर कराते हैं। वो भी बच्चे पढ़ाने आती है ना, मैंने देखा है वो कि हाँ वो तो सही है, सही बात है। और बच्चे भी फुल उनको लाइने कराते हैं, बच्चे भी उनको सेट करने आते हैं। बच्चे नहीं हो, बच्चे बच्चे नहीं हो, बहुत हरामी बच्चे, कुत्ते के बच्चे, बच्चे नहीं है वो जो सेट करने जाते हैं ना टीचर को, वो भी सेट करने जा रहे हैं भरपूर। हाँ अफसोस, क्या बोले, सिस्टम ऐसा बन चुका है। अफसोस क्या अफसोस करें, अल्लाह रहम करे। अच्छा एक्शन ले, देखिए इमरान खान के अच्छे एक्शन था, जो भी एक्शन था अच्छा था उसका। हाँ। काम अच्छा था, उसने एक्शन लिया, उसने हर चीज पर एक्शन लिया। ये पैसे खा के बैठ जाते हैं, किसी गलत चीज पे एक्शन लेना है बजाय एक्शन लेने के खामोशी से पैसे खा के बैठ जाएंगे, भाई तुम लोग लगे रहो, ऐसा नहीं होता है। हेलो हेलो हेलो, नेट चला गया था? हेलो हाँ नेट चला गया था जी, सॉरी 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 सॉरी, व्यूअर्स तो भाग गए होंगे हमारे। नेट पे हमारी क्या गलती। बस अल्लाह पाकिस्तान पे अपना रहम करे। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा टाइम दिया। क्या अल्लाह पाक हमारे ईमानों को मजबूत रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन आमीन, बिल्कुल। कुछ कह रही थी आप, जा रही है? चलें ठीक है, हाँ आप जाएं, आप इजी हैं, आप चली जाएं, कोई मसला नहीं है। थैंक यू बहुत सारा टाइम दे। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आप डिस्कनेक्ट करें वहां से, अपनी लाइव एंड करेंगी ना वहां से, आप हो जाएंगी। ओके भाई, कराची वालों और दुनिया भर से कहीं से भी जहां से भी तुम सब हो, थोड़ा सा बता दो कुछ, बच्चों दिया कर लो हमारे साथ भी यार। थैंक यू सो मच आपका अफशान, आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। और बड़ी बात है अपना टाइम निकालना, अपने कीमती वर्ड्स आपने शेयर किए, आपकी जो आप हालात से परेशान हैं आपने अपनी बातें शेयर की, बहुत शुक्रिया आपका। टू बी अ पार्ट ऑफ माय लाइव स्ट्रीम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चाहे कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।
तो कहाँ है भाई, कौन कौन कहाँ रह गया? आ जाए, क्या करें, लाइव एंड करें क्या? नजमा पाएंगे हमारी, उनको लेते हैं, लिंक मैंने भेजा है, देखते हैं ज्वाइन करती हैं या नहीं करती हैं। आप आ जाएंगी फिर। हाँ, अब मैंने जो दिया ना इस वाले को, हाँ गो लाइव टुगेदर का, हाँ गो लाइव टुगेदर का एक नया लिंक आया है, चेक करें। ओके चलो जी, अब लाइव लेते हैं। यार मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं आता भाई, सही बताऊं मैं, इतना ज्यादा मुझे नहीं पता चल रहा है चीजों का इनमें ना, और थोड़ा सा टिपिकल लगता है स्टार्ट में, शुरू शुरू में आप कर रहे होते हैं तो। अब आ जाएगा इंशाल्लाह लिंक, आ जाएंगे ज्वाइन कर लेंगे अब इंशाल्लाह। थैंक यू अफशा, थैंक यू सो मच। अबे कितना जल गया, चल गई, ट्राईपॉड मसला कर रहा है, प्लेसमेंट सही नहीं है इसकी, हमने कर लेते हैं अभी नया लिंक पकड़ के आ जाए नजमा पापा, चिट चैट कर लें थोड़ी सी। कहाँ रह गई यार? हेलो 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 हेलो, हेलो यार, चलो फिर एक काम करते हैं, नजमा पापा थोड़े से मसरूफ है आई थिंक, नहीं या वो समझ नहीं पा रही, आई थिंक कनेक्ट नहीं कर पा रही, तो फिर हम कनेक्ट कर लेंगे दोबारा, तो करते हैं कंटिन्यू बाद में फिर, ठीक है ना? वैसे मजा आता है, मतलब सही वो भड़ास निकालती हैं वो अपनी, उनके अभी भी दिल में है बहुत सारी चीजें, पाकिस्तानी है, पेट्रियट पाकिस्तानी है वो भी, जो जितने भी बेचारे पेट्रियट पाकिस्तानी है उनको तो बाढ़ दिया जा रहा है, यूएस में रहती हैं वो पहले ही निकल गए, खिसक गई, उन्होंने कहा चलो बेटा कटो, तो सही है। ऐसा करते हैं उनको फिर लेंगे, ठीक है ना? चलो भाई टेक केयर, थैंक यू। और बच्चों दो, अबे वो भी नहीं आया, एक बच्चों को लेना था अपने दोस्त को, बहुत बड़ा बच्चों है वो, अलग लेवल का। चलो फिर करेंगे, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।